आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जब हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे को कटाने के बाद हमें मिलता है 1। दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। जब इस फॉर्मूले में हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1 बाई साइन थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। मैं फॉर्मूला में नंबर रखना है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फॉर्मूले। ठीक, इसके बाद आगे एक और फॉर्मूला आते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, अतः हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस जो कि क्या है तो टेन थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, इसी प्रकार कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। इसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन का सीखते हैं। निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। सभी नंबर को 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वही एंगल के वैल्यू का फाइंड होगा। 0 बाई कुछ भी तो 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2 ये कट जाएगा, ऊपर बचा 1 का 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 3 का रूट 3, 4 का 2 और ये कट हो गया 1। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का रूट 3/2 और 90 का 1। जब कॉस थीटा को निकालें तो सिर्फ इसको अपोजिट करना है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हमारा हो गया कॉस थीटा का मान। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो हम लोग यहां पर टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े हैं, याद रखना होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे। तो 0 में किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है क्या 0, ये 0। 1/√2 में डिवाइड करेंगे 3/√2 से, तक 2 कट जाएगा, बचे 1/3, ये दोनों टर्म्स कट के आ जाएंगे 1,
इसमें 2 2 कट गया तो बचा √3 और 1 0 किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है, मतलब अपरिभाषित, इसका वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यू होगा tan का, इसके बाद आता है cot थीटा, इसके बाद आता है हमारा cot थीटा। ठीक, tan थीटा को अपोजिट कर दीजिए, नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1, 1 √3 और 0, ये हमारा हो जाएगा cot थीटा। अब इसके बाद बात करते हैं sec थीटा और cos थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, तो sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, सिर्फ cos थीटा के वैल्यू को 1 डिवाइड, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसका ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर बस कर देना है, इसका जगह √2, इसका सिर्फ 2, और 1/0, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब बात आते हैं लास्ट जो कि है cos थीटा, cos थीटा ठीक साइन को उल्टा कर दीजिए, 1/0 या फिर sec को उल्टा कर दीजिए, नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, 2/√3 और ये 1। ये हमारे सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटीज के 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल के वैल्यू होंगे।